अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन 2024-25 मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 ऑफ क्लास 10th और टॉपिक हमारा है पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है विच ऑफ दीज आर द जीरोज ऑफ x² + 7x + 12। तो हमें जीरोज फाइंड करने हैं इस पॉलिनोमियल के x² + 7x + 12 के। तो पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं बच्चा जीरोस क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। जीरो वो वैल्यू होती है वेरिएबल की, जैसे इधर वेरिएबल क्या है x है, जिससे पूरा पॉलिनोमियल इटसेल्फ जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो निकालने हो तो उसे हमें किसके इक्वल रखना होगा, जीरो के इक्वल रखना होगा। तो हम लिख देंगे x² + 7x + 12 = 0। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया। ओके, तो वही इसके जीरोज होंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। देखो बच्चा, इधर सम जो है क्या रहेगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग में, मिडल टर्म में x का कोफिशिएंट सम है और प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा, कांस्टेंट टर्म जो 12 है मल्टीप्लाई बाय x² का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट मींस जो x² के आगे नंबर, अभी कोई नंबर नहीं है तो 1, तो 1 मल्टीप्लाई 12 हो गया, तो प्रोडक्ट इज 12। अब हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आता हो और उनका सम 7 हो। ठीक है, तो क्योंकि प्रोडक्ट और सम दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव रहेंगे। तो देखो बच्चा, अगर 1 × 12 करते हैं 12 तो हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट, लेकिन क्या सम मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 + 12 तो 13 होता है, तो ये हम नहीं लेंगे। अब 12 और कैसे बनता है, 2 6 दा, लेकिन 2 + 6 = 8, अगेन सम नहीं बन पा रहा। देन 3 4 दा 12 होता है और 3 + 4 करें तो 7 मिलता है हमें, सम भी मिल रहा है। आप देखो इस केस में 3 + 4 = 7, सम भी मिल रहा है और प्रोडक्ट 3 × 4 12 प्रोडक्ट है। तो यही हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग के नंबर रहेंगे। तो अब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, पहले हम x² को एज इट इज लिख देते हैं। अब जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करके क्या लिखेंगे, 3x + 4x, ये 3 और 4 मिडल टर्म स्प्लिटिंग के नंबर है, और 3 + 4 = 7x ही बनाएंगे, 3x + 4x, और +12 = 0। अब नेक्स्ट, फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है हमें बच्चा, x वेरिएबल में x कॉमन है, लेकिन कांस्टेंट टर्म में कोई नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो x बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक एक्स रह जाएगा, x × x² होता है, और 3x में से अगर हम x बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में 3 रहता है, तो x × 3 = 3x होगा। प्लस अब 4x और 12 में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो बच्चा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 और 12 का 4 होगा, और 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा, एक तो x बचेगा, और 4 3 = 12 होता है ना, 4 × 3 = 12 होता है, तो 3 हमारा ब्रैकेट में रह जाएगा। देखो अगर हम ब्रैकेट खोलें तो 4x, 4 × x, 4x, और 4 × 3 = 12, तो सही आ रहा है हमारा, यानी कि हमने सही कॉमन लिया है, = 0। अब देखो बच्चा, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ टर्म्स, उनमें क्या कॉमन है, एक जैसा क्या दिख रहा है, x + 3 दिख रहा है, तो टेक x + 3 कॉमन, और सेकंड ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक तो ये वाला x रह जाएगा, देखो बच्चा x, और फिर जो यहाँ पर साइन है, क्या साइन है, प्लस का, और फिर 4, देन ब्रैकेट क्लोज, तो x + 3 × x + 4 = 0 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चा, ध्यान देना, एक बार करना x + 3 = 0 और दूसरे में x + 4 = 0। x = क्या होगा, +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, x = -3, और इसमें x = +4, 0 के साथ जाके -4 हो जाएगा। तो जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल क्या हुए, -3 एंड -4, और ये हमारी ऑप्शन 2 से मैच करता है, तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन 2।